अरे मामू, थोड़ा बड़ा सोचना यार। माय नेम मैथी ने एक है मुन्ना भाई। मुन्ना भाई अरे मामू, तेरे को हमेशा टूरिस्ट की तरह आने चाहिए। क्या हमें मुन्ना भाई थ्री बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है? इस तरह के संदेश हमें एक पोस्टर में देखने को मिले हैं। अभी कुछ ही देर पहले हाल ही में संजय दत्त ने इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्टर में हमें संजय दत्त और अरशद वारसी दिखाई दे रहे हैं। दोनों को एक साथ देख के सभी लोग सोच रहे हैं कि हमें मुन्ना भाई थ्री जल्द देखने को मिलने वाली है। अगर ये सही है तो हम सभी लोग इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रिलीज किया है। वहीं आपको बता दें कि इस पोस्टर में दोनों कैदी की ड्रेस जेल के अंदर खड़े हैं, किसी गहरी सोच में डूबे हुए। अभी तो सिर्फ फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया, फिल्म की टाइटल की भी अनाउंसमेंट नहीं की है। पोस्टर को रिलीज करते हुए संजय दत्त ने लिखा है कि बहुत ही जल्द हमें ये फिल्म बड़े पर्दे में देखने को मिलने वाली है। लंबे समय के बाद अरशद वारसी संजय दत्त के साथ नजर आने वाले हैं। और इसी पोस्टर को भी अरशद वारसी ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करके कहा कि बहुत सालों के बाद मैं संजय भाई के साथ काम करने जा रहा हूं। इस फिल्म के लिए हम दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। दोस्तों, आप सभी को 2023 में ये फिल्म थिएटर में देखने को मिल जाएगी। संजय दत्त की तरफ से इस फिल्म की टाइटल की अनाउंसमेंट अभी तक की नहीं की गई। टाइटल की अनाउंसमेंट ना होने की वजह से सभी लोग सोच रहे हैं कि इस फिल्म में मुन्ना भाई का थर्ड पार्ट देखने को मिलने वाला है। ये तो फिल्म की टाइटल की अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा ये फिल्म सही में मुन्ना भाई का थर्ड पार्ट है कि कोई और ही फिल्म है। फिल्म के पोस्टर के साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि खुद संजय दत्त ही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक सिद्धार्थ रजक के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। अभी तो वैसे इस फिल्म के ऊपर काम चल रहा है, बहुत ही जल्द हमें फिल्म थिएटर पर देखने को मिल जाएगी। बस कुछ ही दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें टाइटल के बारे में या फिर फिल्म का छोटा सा क्लिप देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद फिल्म को लेकर काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यह है किस चीज पर। तब तक हमें उस क्लिप का इंतजार करना पड़ेगा। मुन्ना भाई का फर्स्ट पार्ट हमें 2003 में देखने को मिला था, जिसे लोगों ने भरपूर प्यार दिया, जिसके बाद हमें इस फिल्म का सीक्वल 2006 में देखने को मिला। दोनों पार्टों के सक्सेस के बाद सभी लोग उसके थर्ड पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जब संजय दत्त ने अपना पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज किया, तो सभी लोग यह अनुमान लगाने लगे कि लंबे समय का इंतजार खत्म होने जा रहा है। पोस्टर मुन्ना भाई की थर्ड पार्ट का ही है, पर यह खबर सही है या गलत ये तो हमें कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। अगर ये फिल्म कोई और ही फिल्म है तो ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में हमें अरशद वारसी और संजय दत्त एक साथ देखने को मिलने वाली है। दोनों ने एक साथ मिलकर हमें मुन्ना भाई फिल्म में काफी हंसाया था, इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं।